नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन की आवाज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। विपक्ष कानूनों के मुद्दों पर मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा कर रहा है और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसान कानून विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे उस पर बोर्ड लगा था और जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा हुआ था। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे और ये कानून 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों के लिए है। ये कानूनों के फायदे ये किसानों के लिए नहीं है। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता नजर आए। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया। तो राहुल गांधी संसद की तरफ ट्रैक्टर को लेकर आए थे, साथ में कुछ और कांग्रेसी नेता भी उनके साथ ट्रैक्टर पर ही मौजूद थे और किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो ऐसा ही ट्रैक्टर पर ये बोर्ड लगा हुआ था, जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो पहली तस्वीर है इसमें। और किसानों के समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं, संसद तक वो जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। एक तरफ किसान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के बीच राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून